हाइकल लिमिटेड जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड स्मॉल कैप कंपनी है, इसके क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी करंट लेवल पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या अभी के प्राइस सही है या नहीं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ की फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, देन इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और फिर टेक्निकल चार्ट के अंदर ये देखेंगे कि करंट लेवल पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो उस होल्डिंग को रखना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो इसका मार्केट कैप है 4000 करोड़ का, जो कि इंडियन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका है 326। स्टॉक का पी है 30.3 एंड इंडस्ट्री का पी है 19.4। मीन्स ये इंडस्ट्री के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे करंटली अवेलेबल है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.37% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी 16.7% है। जनरली हम 20% से ऊपर का आरओसी अच्छा कंसिडर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आपको आरओसी एंड आरओई अच्छी तरीके से जानते होंगे, एंड आरओई भी जनरली 20% से ऊपर का अच्छा माना जाता है, एंड कंपनी का आरओसी 15.2 है। कंपनी के पास 36 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है, एंड अगर डेट देखा जाए तो 515 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 10.8 रुपीज़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जो ये डेट है 515 करोड़ का 4000 करोड़ की कंपनी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0.55 का डेट टू इक्विटी रेशियो आता है। जनरली हम 0.1 डेट टू इक्विटी रेशियो तक की कंपनी को अच्छा मानते हैं, बट इस कंपनी का थोड़ा हायर लेवल पर डेट है। तो देखेंगे इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, देन देखेंगे कि करंट लेवल पे बाइंग बनती है या नहीं। तो मार्च 20 के अंदर कंपनी की टोटल सेल थी 379 करोड़, वो मार्च 21 के अंदर बढ़ के 532 करोड़ हुई है। मीन्स 40% के अपसाइड देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 71 करोड़ का था मार्च 20 के अंदर, बढ़ के 109 करोड़ का हुआ है। जो क्वार्टर रिजल्ट होते हैं हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम उनको कंपेयर करते हैं, ना कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर 24 करोड़ का था, वो बढ़ के 51% हुआ है, 51 हुआ है। मीन्स इसमें 102% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। तो ये तो हो गई इस क्वार्टर की बात। अगर लास्ट 5 ईयर्स का फाइनेंशियल इसका स्टेटमेंट देखा जाए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर देखा जाए, तो उसका डेटा कैसा है उस पर बहुत ये हमारा निर्णय डिपेंड करेगा कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। रेवेन्यू अगर देखा जाए मार्च 27 के अंदर तो 1000 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2018 के अंदर बढ़ के 1296 करोड़ का हुआ। देन मार्च 2019 के अंदर 1500 करोड़, देन 1500 करोड़ अगेन, देन मार्च 2021 के अंदर 1720 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 133 करोड़ का 133 करोड़ का आया है, जो कि इस कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो अराउंड 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने कंसिस्टेंटली दिया है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कंपनी में देखी जाए तो 68.77% की होल्डिंग है। FII की होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 5.91% है। DII की नाम मात्र की होल्डिंग है 0.559 की, एंड पब्लिक की होल्डिंग है 24%। एक और डेटा इसमें यह है कि FII की जो होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर 4.91% थी, तो 1% से FII ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब देखते हैं कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये इस कंपनी का डेली कैंडल पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट है। अगर इसमें आप 1 अप्रैल का प्राइस देखोगे तो वो आता है 161, एंड वहाँ से कंपनी ने अराउंड 1 मंथ के अंदर 112% के रिटर्न दिए हैं, जो कि कंपनी का ये अच्छा रिजल्ट आया है। जो प्रॉफिट डायरेक्ट 112% से प्रॉफिट बढ़े हैं, मीन्स डबल से भी ज़्यादा हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर जो अच्छा रिजल्ट है वो ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो चुका है, एंड अच्छी तरीके से फैक्टर इन हो चुका है। तो अभी करंट लेवल पे बाइंग नहीं बनती है यहाँ से, एंड अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं एंड इस पर्टिकुलर लेवल से इसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए।
और नया इन्वेस्टमेंट यहाँ करने की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी, एज कंपनी बहुत ही हायर लेवल, अगर पी देखा जाए कंपनी का तब भी कंपनी का इंडस्ट्री पी से लगभग डबल के आसपास है, प्लस कंपनी ने ऑलरेडी रिटर्न दिए हैं 100% के इन लास्ट वन मंथ, तो कंपनी कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके यहाँ से कुछ परसेंट नीचे आके कंसोलिडेट अगर करती है तो उस लेवल पे बाइंग बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। प्लस अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है तो जिस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाय करते हैं, लाइक जब स्टॉक का पी 30 से नीचे जाता है तो हम बाय करते हैं, देन हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर 1 to 2 month और 3 month। लाइक हम इस लेवल पे इसे बाय कर सकते थे जब इस स्टॉक का जो पी है, जो RSI है वो 30 से नीचे था, तो RSI जब 30 से नीचे होता है तब हम जनरली बाय करते हैं, प्लस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, जब स्टॉक का प्राइस इससे नीचे होता है तो हम बाय करते हैं, देन हम अपसाइड इसके RSI के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, देन जब RSI वापस 70 के लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है तब हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट बुकिंग को कंसिडर करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लस इस वीडियो के या कोई भी वीडियो आप देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें, उसमें सारी कंपनीज़ की लिस्ट आपको मिलेगी जिसके बारे में मैंने अपना एनालिसिस प्लस उनका बिजनेस एनालिसिस को कम्प्लीटली किया है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। प्लस आप प्लेलिस्ट सेक्शन को भी एक बार ज़रूर विजिट करें, एंड उसमें आपको फ्यूचर मल्टीबैगर, मिड कैप मल्टीबैगर एंड पोर्टफोलियो स्टॉक इस टाइप से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर एक्सेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।